Hello students, in this video we will cover another 16 VSA type questions. So without wasting our time, let's start. First video में हमने एक sample question paper के जो very short answer questions थे वो हमने cover किए थे. इस video में हम इस sample question paper के जो first 16 questions of 1 mark, we will cover those questions. So let's start. Our first question is, calculate the HCF and LCM of this and this. So इस type के questions का बहुत ही simple सा concept है. जो यहाँ पर दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, HCF में इनकी लोवेस्ट पावर होगी. सो इस केस में इनका HCF क्या होगा? HCF में लोवेस्ट पावर मीन्स 3 की लोवेस्ट पावर इज 2 एंड 5 की लोवेस्ट पावर इज 5. सो दिस विल बी HCF. ठीक है, अब अगर LCM की हम बात करें तो LCM में जो ग्रेटर पावर होंगी 3 की और 5 की दोनों नंबर्स की, दैट विल बी LCM. सो 3 raised to power 3 इंटू 5 raised to power 2, दिस विल बी LCM. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. इसके और में जो क्वेश्चन है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस. तो इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट का है 2 raised to power n इंटू 5 raised to power m, तो हमें देखना है कि m और n में कौन सा नंबर बड़ा होगा, 2 और 5 में किस नंबर की पावर ज्यादा बड़ी है. ठीक है, और जिस नंबर की पावर ज्यादा होगी, डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट आफ्टर दैट मच डेसिमल प्लेसेस. सो इस केस में 5 की पावर यहाँ पे 5 है, 2 की पावर 2, इट मीन्स कि 5 is greater than 2. सो डेसिमल एक्सपेंशन इसकी कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी? आफ्टर 5 decimal places. सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो डिनोमिनेटर में 2 और 5 में से जिसकी ज़्यादा बड़ी पावर होगी, उतनी ही डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर एल्फा एंड 2 by alpha, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है. ठीक है, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा. हियर वी आर गिवन 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो वी विल यूज द फॉर्मूला बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू, मीन्स एल्फा इंटू 2 by alpha इज इक्वल्स टू c/a. c is 2a and a is 1. सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2a इज इक्वल्स टू 2 एंड ए विल बी इक्वल्स टू 1. सो सिंपली ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1. कम टू थर्ड क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx+3y = k-2 एंड 12x+ky = k इनकन्सिस्टेंट. सो स्टूडेंट्स, जो लास्ट 16 क्वेश्चन हमने किए थे फर्स्ट वीडियो में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन कंसिस्टेंट एंड इनकन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, सो यहाँ पे हमें इनकन्सिस्टेंट बताना है. तो इनकन्सिस्टेंट कौन से केस में होता है, जिसमें कोई भी सोल्यूशन ना हो. और कोई भी सोल्यूशन किस केस में होता है, ये होगा आपका पैरेलल लाइंस के केस में. सो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो इनके कोफिशियंट्स का रेशियो क्या होगा? कोफिशियंट्स का रेशियो होता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2. तो इस रिलेशन का यूज करके हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो स्टूडेंट्स, k/12 = b1/b2 ≠ b1 = 3 and b2 = k by cross multiplying k² = 36 and taking square root k = ±6. So k की वैल्यू विल बी ±6 बिकॉज 36 अगर हम +6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा, और -6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा. ठीक है, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k आर ±6. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर में स्टूडेंट्स आपको एक चीज ध्यान रखनी थी. यहाँ पे क्वेश्चन में कहा हुआ था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि दो इक्वेशन आपको बनानी थी. ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या कि एक सिंगल वेरिएबल में ही यहाँ पे एक इक्वेशन बना के इसको सोल्व कर दिया. तो आपको सोल्व नहीं करना था, यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बनानी थी. कैसे बनाएंगे देखिए, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. Number of girls is 4 more than number of boys. So first of all, number of boys and girls are एक्स एंड वाई. ठीक है, ये गर्ल्स एंड बॉयज. सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स गर्ल्स प्लस बॉयज कितना होगा, 10. सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बनेगी. देन सेकेंड इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. इट मीन्स के एक्स इज इक्वल्स टू बॉयज प्लस 4. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आपकी ये बनेगी. तो ये बनेगा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इफ k(2k-1, 2k+1) आर 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एन ए पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सो स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों टर्म्स ए पी की हैं, देन डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म्स विल बी इक्वल. ओके, सो हम यहाँ पे इनका डिफरेंस इक्वेट करेंगे और वहीं से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो 2k-1 - k =
2k plus 1 minus 2k minus 1. अब इस लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे. सो यहाँ पे आएगा k minus 1 is equals to 2k plus 1 minus 2k plus 1. 2k से 2k cancel out होगा and k minus 1 is equals to 2. So k की वैल्यू यहाँ पे आपकी आएगी 3. Then और वाला पार्ट देखिए. If nth term of this AP is 7 minus 4n, find the common difference. Students, common difference का क्या मतलब होता है? Difference between two successive terms. ठीक है, means अगर हम देखें तो a2 minus a1 will be the common difference. So इस केस में an is equals means last term given है 7 minus 4n and from here we can find out a1 easily 7 minus 4 into 1 means replace n by 1. So it will be 3. First term is 3. Similarly, we can find out a2. a2 will be 7 minus 4 into 2. So 7 minus 8, it will be minus 1. Now put the value of a1 and a2 in this equation. Means common difference will be equals to minus 1 minus 3. It will be minus 4. So minus 4 will be the common difference for this AP. Now sixth question. Write the roots of the quadratic equation 2x square minus x minus 6. So, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको फैक्टराइज करना था इसको. आपको माइनस एक्स को ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करना था कि उनका सम आए माइनस वन और मल्टीप्लीकेशन आए माइनस ट्वेल्व. सो इट विल बी माइनस फोर एंड प्लस थ्री. सो टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो. अब स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के बाद भी कुछ बच्चे कॉमन निकालने में गलती कर देते हैं. तो कॉमन आप दो दो टर्म्स को देख के निकालेंगे. यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2x कॉमन आएगा, x माइनस टू विल बी इन ब्रैकेट. देन जो लास्ट टर्म्स है यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, और कॉमन हमें ऐसा नंबर निकालना है कि जो यहाँ ब्रैकेट बने x माइनस टू, सेम आपका इन दोनों टर्म्स से भी बचना चाहिए. सो वी विल टेक 3 कॉमन फ्रॉम लास्ट टर्म्स. इट विल बी x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. एंड इस कंप्लीट में से x माइनस टू जब कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो. सो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2. सो दीज टू नंबर्स आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, कम टू सेवेंथ क्वेश्चन. इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 1 बाई 3, देन फाइंड द अदर रूट. स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए इसके दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो बीटा है मान लीजिए 1 बाई 3, तो हमें अल्फा फाइंड आउट करना है. हम वहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा फॉर्मूला? रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशियंट्स. ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू सी बाई ए. सी बाई ए मीन्स 3 बाई 3. सो इट विल बी अल्फा बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा विल बी 3. ठीक है, तो सेकेंड रूट आपका क्या रहेगा, 3 के इक्वल. तो ये वो आपका सेवेंथ क्वेश्चन. इसका जो और पार्ट है वो देख लेते हैं. राइट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x square minus 6x plus 7 is equals to 0. स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो थी हमारी जिसमें हमने 16 क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स जो आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा. सो यहाँ हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है इसकी नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी. सो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें फाइंड आउट करना होगा डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac. सो इन दिस केस a इज 2, b इज माइनस 6 एंड c इज 7. सो b स्क्वेयर मीन्स 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7. सो 36 माइनस 56 एंड इट विल बी माइनस 20 विच इज लेस देन 0. एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन देर विल बी नो रियल रूट्स. ओके, और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ देन दैट इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स. एंड इन केस द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन द इक्वेशन विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. देन कम टू एट्थ क्वेश्चन. एट्थ क्वेश्चन में क्या है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू. सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपका ये है. यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि एक पी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक सर्कल पे, और उस सर्कल की रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, मीन्स ओ पी इज इक्वल्स टू 5. और क्या कहा हुआ है कि ओ ओ इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल. ओ से उस टेंजेंट के सेकेंड पॉइंट तक की एक लाइन ड्रॉ करी जाती है जिसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर. देन फाइंड द लेंथ ऑफ दैट टेंजेंट पी क्यू. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट, सिंपली आपको एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पता होनी चाहिए, दैट एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट ड्रॉन एट द सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री.
सो अगर ये 90 डिग्री हुआ देन ओपीक्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. देन दिस साइड विल बी इक्वल्स टू मीन्स पीक्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओक्यू स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर. सो यहां से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 12 सेंटीमीटर. और वैसे भी आप देख सकते हैं अगर कोई ट्रिपलेट है और उसकी दो साइड्स आपके पास गिवन है 513, देन ऑब्वियसली थर्ड साइड विल बी 12 सेंटीमीटर. ठीक है, सो इसका आंसर आपका रहेगा 12. देन कम टू नाइन्थ क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी टचेज द साइड्स एबी बीसी एंड एसी एट पॉइंट्स डीई एंड एफ रिस्पेक्टिवली. इफ एबी इज 12 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 12, बीसी इज 8 सेंटीमीटर एंड एसी इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एडी. तो ये हमें फाइंड आउट करना. सो सपोज एडी इज इक्वल्स टू एक्स. अब यहाँ पे बस एक ही आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी, दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल. सो इस केस में ए पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं, एडी और एएफ. इफ एडी इज इक्वल्स टू एक्स देन एएफ विल आल्सो बी इक्वल्स टू एक्स. तो ये आपको ध्यान रखना है. अब स्टूडेंट्स एबी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, एबी इज 12 एंड एडी इज एक्स. सो बीडी कितना होगा, बीडी विल बी 12 माइनस एक्स. एंड इफ बीडी इज 12 माइनस एक्स देन बीई विल आल्सो इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स. ठीक है, नाउ बीसी इज 8 सेंटीमीटर, सो ईसी कितना होगा, ईसी विल बी 8 माइनस 12 माइनस एक्स. सो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स माइनस 4. और अगर ये एक्स माइनस 4 है ईसी, देन एफसी विल आल्सो इक्वल्स टू एक्स माइनस 4. और हमें पता है कि जो एसी साइड है दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर में एक्स और एक्स माइनस 4 है. इट मीन्स एक्स प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10. सो 2x इज इक्वल्स टू 14. एट लास्ट x इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. सो यही हमें फाइंड आउट करना था. लेंथ ऑफ AD विल बी 7 सेंटीमीटर. नाइन्थ क्वेश्चन इज डन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्ट ऑफ नाइन्थ. स्टूडेंट्स ये भी बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन है. इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O. PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स. ओके, देन इफ एंगल APB इज 50 डिग्री, आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ एंगल APB इज 50 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ OAB एंगल. OAB एंगल कौन सा एंगल, दिस एंगल. ठीक है, सो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, हमने ऑलरेडी ऊपर वो प्रॉपर्टी यूज करी भी है. क्या प्रॉपर्टी है, दैट एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री. सो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री. अब स्टूडेंट जो हमें फाइंड आउट करना हो क्या होगा, अगर इस 90 डिग्री में हम ये एंगल माइनस कर दें पी ए बी एंगल, देन वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड एंगल ओ ए बी. अब पी ए बी एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है दैट पी ए एंड पी बी आर इक्वल. सो अगर इक्वल होंगे देन एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. इट मीन्स दीज एंगल्स विल बी इक्वल. और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो कितने कितने डिग्री के होंगे, इन ट्रायंगल पी ए बी बाई अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 65, सिमिलरली दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 65. अब देखिए 65 ये एंगल हो और कंप्लीट एंगल ये 90 डिग्री, देन दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस 65, इट विल बी 25 डिग्री. ओके, सो ओ ए बी एंगल इज इक्वल्स टू 25 डिग्री. सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी सो दैट एडी इज इक्वल्स टू 2.4, दिस इज दिस एंड फाइंड द लेंथ ऑफ एबी. सो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट जो वीडियो थे हमारी फर्स्ट वीडियो उसमें भी किया था. यहां पे भी सेम आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, एबीसी एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी. दिया हुआ क्या है, एडी इज 2.4, एई इज 3.2, एसी इज 4.8, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी कंप्लीट. सो स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये तो वर्बली हो सकता है. देखिए 16 2 32, 16 3 48, ठीक है, 2:3 का रेशियो है तो इन साइड्स में भी 2:3 का रेशियो होगा. मीन्स 12 2 24, 12 3 36. सो डी बी होगा 3.6 और ये होगा 2.4. और इसका कंप्लीट का सम आपको फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर. और अगर आपको बी पी टी यूज करनी तो क्या करेंगे, ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए बाई ए सी. यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ए डी और ए ई. ए सी की जगह स्टूडेंट्स ए प्लस ई सी मीन्स सम ऑफ दीज टू साइड्स. सो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे देन इट विल ऑल्सो इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर.
सो ऐसे आपको करना था ये. देन इलेवेंथ क्वेश्चन, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 5:7, फर्स्ट अ रे ए एक्स इज ड्रोन सो दैट एंगल बी एक्स इज एन एक्यूट एंगल एंड देन एट इक्वल डिस्टेंसिस पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द रे ए एक्स, राइट द मिनिमम नंबर ऑफ दीज पॉइंट्स. स्टूडेंट्स, कोई भी लाइन सेगमेंट को अगर हमें कुछ रेशियो में डिवाइड करना है देन वी हैव टू मेथड्स. और टू मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कि हमें यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाना होगा और इस पे ही हमें वो कंप्लीट डिवीजन करने होंगे. ठीक है, कंप्लीट डिवीजन मींस 5:7 के. एंड सेकंड मेथड इज कि हम दोनों पॉइंट्स पे एक्यूट एंगल बनाएंगे और फिर उसके बाद 5 divisions यहाँ पर, 7 divisions यहाँ पर, और फिर उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर एक ए बी लाइन सेगमेंट है और ए एक्स एक रे ड्रॉ करनी सो दैट बी एक्स इज एन एक्यूट एंगल. अब हमें बताने कि ए एक्स पे ही हमें कितने मिनिमम पॉइंट्स ड्रॉ करने, मतलब हमें यहाँ पे दूसरा एंगल बनाने के लिए नहीं कहा हुआ है. इट मीन्स कि हमें ए एक्स पे ही कितने पॉइंट्स डिनोट करने होंगे? 5:7 12 points. ओके, सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी था आपका. देन 12th question, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 60 माइनस 10² 45 डिवाइड बाय sin² 30 प्लस cos² 30. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होना चाहिए डिफरेंट एंगल्स. सो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? देखिए, cos और sin की वैल्यूज अपोजिट होती है. मीन्स जो sin 30 की वैल्यू रहेगी वो cos 60 की वैल्यू रहती है. ठीक है, सो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. सो 5 × 1/2 का स्क्वेयर, देन प्लस 4 sec² 30. अब देखो, sec रेसिप्रोकल किसका होता है? cos का. ठीक है, मतलब हमें अगर cos 30 की वैल्यू पता चल जाए तो हम sec 30 की वैल्यू इजीली बता सकते हैं. और cos 30 की वैल्यू हम कैसे पता चलेगी? cos 30 इज इक्वल्स टू sin 60, और sin 60 वैल्यू क्या होती है? √3/2. सो ये वैल्यू तो हुई किसकी? cos 30 की. अब sec 30 का मतलब इसका रेसिप्रोकल, इट मींस 4 × 2/√3 का स्क्वेयर. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए. इसके बाद 10 की वैल्यू 1, सो माइनस ऑलरेडी था तो माइनस 1. इसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ओके, अब बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, आपकी सिंपल सी कैलकुलेशन है. 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1. सो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, देन 5 × 3 = 15 प्लस 4 × 16 = 64 एंड माइनस 12. सो 15 − 12 3 एंड 64 प्लस 3 = 67/12 विल बी आवर आंसर. सो ऐसे आपको सॉल्व करना था ये 12th. 13th question, इफ tan a प्लस cot a इज इक्वल्स टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वेयर a प्लस cot स्क्वेयर a. सो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वैल्यूज गिवन है इसका स्क्वेयर आपको रिजल्ट में चाहिए. सो जस्ट टेक स्क्वेयर बोथ साइड्स, वी विल गेट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर. सो tan स्क्वेयर a प्लस cot स्क्वेयर a प्लस 2 tan a cot a इज इक्वल्स टू 25. एंड स्टूडेंट्स, हमें पता है tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मीन्स ये होंगे कैंसिल आउट. सो tan स्क्वेयर a प्लस cot स्क्वेयर a विल बी 25 − 2, सो 23 विल बी आंसर. सो ऐसे आपको ये सोल्व करना था. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 14 and 7 cm. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of two circles. So, इनकी circumference कितनी होगी? 2πr, 14 plus 2π, 7 is equals to. इन दोनों circles की जो circumference है, इसका sum किसके equal है? Circumference of new circle. So, 2πr. अब हमें इसकी radius बतानी है. तो यहाँ से जब 2π common लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 14 + 7 and इस side आपका 2πr. So, 2π से 2π cancel out. देन कैपिटल आर इज इक्वल टू 21 cm. और यही हमें फाइंड आउट करना था. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स. सो इट विल बी 21 cm. नाउ 15th question, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई बींग इक्वल टू 1 cm एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. So students, in this question, a solid is given of the shape of a cone standing on a hemisphere. Means hemisphere एक नीचे यहाँ पर है, hemisphere यहाँ पर है और इसके ऊपर एक cone है. ठीक है, तो इसका हमें volume find out करना. और हमारे पास क्या given है? हमारे पास given है कि इसकी जो radius है that is 1,
इसकी जो हाइट है दैट इज वन एंड हाइट ऑफ दिस कोन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. सो अब हमें सिंपली बस इन दोनों शेप्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 pi, आर स्क्वेयर इज 1, एच इज 1, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 pi आर क्यूब. आर क्यूब मीन्स 1 क्यूब. सो इट विल बी पाई बाई 3 प्लस 2 pi/3. सो ये आपका आएगा स्टूडेंट्स 3 pi/3. सो 3 कैंसिल आउट एंड आंसर विल बी पाई. पाई की जगह आप 22/7 रख सकते हैं या फिर 3.14 भी रख सकते हो, या फिर आप पाई सेंटीमीटर क्यूब भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं. ठीक है. सो ये था आपका 15th क्वेश्चन. इजी कॉन्सेप्ट था. नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टूडेज सेशन. अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर द टोटल आउटकम्स व्हेन यू थ्रो डाई. सो एक डाई के 6 फेस होंगे, सो टोटल आउटकम्स विल बी 6. अब हमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. सो देर आर 3 प्राइम नंबर्स ऑन अ डाई, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/6 मीन्स 1/2. हमने वीडियो 1 में भी डाई के बेस पे क्वेश्चन किया था. सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा. देन और पार्ट क्या है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम द शॉप फॉर हिज एक्वेरियम. द शॉपकीपर टेक्स आउट द फिश, टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 male fish एंड 8 female fish. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश. सो स्टूडेंट्स टोटल आउटकम्स कितने होंगे, मीन्स टोटल फिश कितने होंगे उस टैंक में, उसमें है 13 फिश. सो टोटल आउटकम्स आर 13. अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की, जो निकालेंगे वो फिश मेल हो, मीन्स देर आर 5 male fish, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 5/13. सो दिस विल बी अवर आंसर. सो ये थे हमारे 16 questions आज की वीडियो के. आई होप कि आप लोगों को ये questions अच्छे लगे होंगे. और स्टूडेंट्स ये जो हम वीडियो करते हैं जिसमें 16 questions सोल्व कर रहे हैं, इससे आपको ये भी पता चलता होगा कि कौन से चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और हमें किस लेवल की स्टडी करनी होगी. नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे अनदर 16 questions ऑफ अनदर सैम्पल क्वेश्चन पेपर. सो सी यू ऑल इन दैट वीडियो. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.